हेलो एवरीवन, इससे पहले हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म देख चुके थे फोरियर सीरीज की। अब पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, देखो कैसे निकालते हैं। कोई भी सिग्नल है, एफ टी कोई सिग्नल है, अगर उसका पीरियड, अगर वो पीरियडिक है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। मैंने कहा एफ टी कोई सिग्नल है, इसका जो पीरियड है वो कितना, टी नोट। तो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दूसरी तरीका ये होता है रिप्रेजेंट करने का, एफ टी इक्वल्स टू ए नोट प्लस समीशन एन कस टू वन टू इन्फिनिटी। यहाँ पे ध्यान से देना, जब कॉम्प्लेक्स में लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आता है, या वन टू इन्फिनिटी आता है। ए एन कोस एन ओमेगा नोट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नोट टी। तो ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा नोट होगा हमारा 2 पाई बाय टी नोट। ए एन बी एन क्या, ए एन बी एन यहाँ पे इसके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है, ठीक है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट कहते हैं ए एन और बी एन को। ए नोट क्या, अगेन एवरेज वैल्यू, वहाँ पे सी नोट हुआ करती थी, यहाँ पे कितना ए नोट है। तो यहाँ पे बता दूँ, इनकी वैल्यू लिख दूँ, ये ए एन बी एन की वैल्यू क्या होती है, जैसे वहाँ पे सी एन की हुआ करती थी, ए एन और बी एन ए नोट की हुआ होगी यहाँ पे। तो ए नोट जो होगा हमारा वो होता है वन अपॉन टी। टी ये कौन सा टाइम है, वो पूरा पीरियड जितना भी उसका पाई टू पाई जितना भी पीरियड है उसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ओवर ए पीरियड एफ टी डी टी, इसको और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एफ टी, ठीक है। ए नोट को क्या कहते हैं हम, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ टी। नेक्स्ट है हमारा ए एन, एन जो होता है वो कितना होता है, टू अपॉन, यहाँ पे टू आता है नीचे, फिर उसका पीरियड जितने पीरियड पे हम ले रहे हैं, देन एफ टी इंटू कोस एन ओमेगा नोट टी डी टी, ठीक है। ये होती है एन की वैल्यू। नेक्स्ट होता है बी एन, बी एन की वैल्यू कितनी चाहिए हमें, ऐसे टू अपॉन टी नोट ओवर ए पीरियड टी नोट एफ टी मल्टीप्लाई बाय साइन एन ओमेगा नोट टी डी टी, ठीक है। ये होते हैं ए एन बी एन, ए नोट की वैल्यू पता चल गई। ये पहले ये चीज़ निकालते हैं, ये निकालने के बाद हम इसमें रख देंगे, तो वो हमारा एफ टी का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात पहुँच गई, अब आगे देखते हैं। आगे क्या, दूसरी फॉर्म होती है इसकी एम्पलीट्यूड फेज फॉर्म, या उसे हार्मोनिक फॉर्म भी कहते हैं, हार्मोनिक फॉर्म। जैसे वहाँ पे हम उसका एम्पलीट्यूड और फेज का स्पेक्ट्रम बनाते थे, यहाँ पे भी ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो वो किससे बनाएंगे, इस वाली चीज़ से बनाएंगे, हार्मोनिक फॉर्म और एम्पलीट्यूड फेज फॉर्म। तो वो कैसे होती है, दूसरे तरीके से मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ अपने सिग्नल को एफ टी को, ए नोट प्लस एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आएगा ए एन कोस एन ओमेगा नोट टी प्लस फाई एन। अब देखते हैं ये ए एन और फाई एन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ए एन और फाई एन की वैल्यू क्या होगी, तो एक बात मैं बता दूँ, यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला होता है कोस एल्फा प्लस बीटा का, फॉर्मूला क्या होता है, कोस एल्फा कोस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा, ठीक है, ये होता है ना। इस तरह से इस वाली चीज़ को ओपन करके देख लो, हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ निकालने के बाद यहाँ से कंपेयर कर देंगे, ठीक है, यहाँ से कंपेयर करके लिख देंगे। देखो अब ये काम करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ए एन कोस एन ओमेगा नोट टी प्लस फाई एन, इसका फॉर्मूला खोलो, ये समझ लो ए है, ये एल्फा ये बीटा है। तो ए एन तो बाहर मल्टीप्लाई है बस, कोस एल्फा कितना एन ओमेगा नोट टी इंटू कोस बीटा, बीटा कितना फाई एन, माइनस ए एन साइन एल्फा कितना एन ओमेगा नोट टी और बीटा फाई एन। अब ये जो चीज़ आई है, मैं इसको एक बार कंपेयर कर सकता हूँ कहाँ से,
जो हमारी ओरिजिनल फॉर्म होती है। यहाँ पे देखो जो कोस एन ओमेगा नोट वाली जो चीज़ है, यहाँ पे देखो कोस एन ओमेगा नोट वाली चीज के साथ क्या आता है, ए एन। तो यहाँ से मैं कंपेयर करके लिखूंगा तो ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से कंपेयर करो तो ए एन जो आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, कैपिटल ए एन है ना, इसका ये वाली चीज़ से कंपेयर कर रहा हूँ मैं, कोस फाई एन। ऐसे ही बी एन के लिए चेक करो, देखो यहाँ पे बी एन कितना, बी एन साइन ओमेगा नोट टी, यहाँ पे एक तो माइनस है तो साइन ओमेगा नोट टी को छोड़ दूंगा मैं, ए एन साइन फाई एन। तो बी एन जो किसके इक्वल बैठेगा, माइनस ए एन साइन फाई एन। ठीक है, अगर मैं इनका स्क्वायर करके जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए एन का स्क्वायर, ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए एन कोस स्क्वायर फाई एन प्लस ए एन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई एन। ए एन स्क्वायर में कॉमन ले लूँगा, वहाँ से कितना बचेगा, कोस स्क्वायर फाई एन प्लस साइन स्क्वायर फाई एन। तो ए एन कितना आ गया मेरा यहाँ से, अंडर द रूट ऑफ, इसे चाह मोट लगा के लिख लो, ठीक है, वो उसके एम्पलीट रूट का बताएगा। ए एन और बी एन देखो, जो ए एन बी एन तो हमें पता ही होंगे, हम निकाल लेंगे, मुझे क्या चाहिए अपना जो हमें उसका एम्पलीट्यूड फेस फॉर्म स्पेक्ट्रम बनाना, तो मुझे ए एन चाहिए, ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ए एन ही चाहिए और फाई एन चाहिए। तो ए एन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अंडर द रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। आगे देखते हैं फाई एन की वैल्यू क्या होगी, फाई एन के लिए मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ इन दोनों को, बी एन अपॉन ए एन। तो मुझे क्या मिलेगा, बी एन की वैल्यू माइनस ए एन साइन फाई एन अपॉन ए एन कोस फाई एन, ए एन से एन कैंसिल, वो कितना बचा, माइनस टेन फाई एन। यहाँ से अगर मैं फाई एन की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ जाएगी, माइनस इधर गया टेन इनवर्स बी एन अपॉन ए एन। तो यहाँ से देखो हमें ए एन की और बी फाई एन की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, ए एन एंगल फाई एन, ये तो हो गई वो वाली फॉर्म, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में जैसे हम लिखते थे इसको। तो ये कैसा हो जाएगा, इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो मेरी एक इस चीज़ को देखो, एक इसको देखो, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए एन माइनस जे बी एन। देखो अगर ए एन का मोड निकालो कितना आएगा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ये आ गया। इसका एंगल निकालो तो कितना आएगा, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो टेन इनवर्स माइनस बी एन अपॉन ए एन, माइनस बाहर आ गया तो ये बन गया, ठीक है। तो ए एन और बी एन की वैल्यू हमें पता चल चुकी हैं, ऐसे निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे, देन अपना ग्राफ बना देंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए एन की, ठीक है। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट होती है अब और रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, किसका, जो एक्सपोनेंशियल है भाई, उससे भी तो रिलेशन होगा कुछ ना कुछ, देखते हैं एक्सपोनेंशियल से क्या रिलेशन बनता है। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है मैं बता दूं, एक्सपोनेंशियल में जो होता है सी एन जो होता है वो जो होता है किसके इक्वल होता है, ए एन माइनस जे बी एन अपॉन टू के, ठीक है, इसके इक्वल होता है। और सी माइनस एन जो होता है वो सी एन के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाता है, और ए एन प्लस जे बी एन बाय टू हो जाएगा, ठीक है। सी एन का मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लूँ तो ये आएगा ना, तो यहाँ से अगर मैं इसकी दम टू की मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, टू सी एन इक्स टू ए एन माइनस जे बी एन, ठीक है। पीछे मैं क्या प्रूव कर चुका हूँ, ए एन माइनस जे बी एन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एंगल यहाँ पर ए एन फाई एन जो होता है किसके इक्वल होता है, ए एन माइनस जे बी एन के। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, टू सी एन के। अब देखो तीनों के जो कोफिशिएंट होते हैं फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, उनमें रिलेशन आ चुका है, ठीक है। इसी की हेल्प से हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे लगाओ इम्पोर्टेंट मार्क, तीनों का रिलेशन है ये, इसी से सारे काम बन जाएंगे। देखो हम जितना भी जो चीज़ पूछेगा ज़्यादातर इसी से काम बना देंगे अपना। तो तीनों में हमें रिलेशन पता चल गया, कॉम्प्लेक्स में भी, ट्रिग्नोमेट्रिक में भी और हार्मोनिक में भी। तो आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लें, नेक्स्ट वीडियो से तो हम क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कहो, क्योंकि अगली बार में जब हम करेंगे इंटीग्रेशन कब हो ज़्यादा काम आने वाला है। तो अगर मैं किसी कोई भी मेरे पीरियड दे सिग्नल दे रखा है
ओवर ए पीरियड में निकाल रहा हूँ, अगर वो साइन है या कोसाइन है, साइन एन ओमेगा नॉट टी जीरो ही होगा हमेशा, ठीक है। ओवर ए पीरियड साइन साइन फंक्शन क्या देता है, जीरो वैल्यू देता है, ऐसे कोसाइन भी जीरो ही देता है। हम क्या करेंगे, इतना काम नहीं करेंगे वहाँ पे, क्योंकि और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी रहती हैं, तो ये वाले रिजल्ट काम आएंगे वहाँ पे, ठीक है। अगर ओवर ए पीरियड में अगेन निकाल रहा हूँ, साइन इंटू साइन एन ओमेगा नोट टी इंटू फ्रिक्वेंसी अलग हो, यहाँ पे एन हो, यहाँ पे कॉस एम ओमेगा नोट टी हो, तब भी वैल्यू जीरो ही होती है। कैसे समझो इसे, अगर ये साइन 6t है और ये कोस 5t है, तो अलग अलग हो गए तो जीरो ही होगा डायरेक्ट, ठीक है। तो हम वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म उसको सिंपल नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये देखेंगे जीरो। अगर साइन एक जैसे हो, साइन एन ओमेगा नोट टी इंटू दोनों साइन साइन हो लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले हो, तब भी जीरो ही होगा। ऐसे ही कोस के लिए भी लिख लो, दोनों कोस वाले भी हो लेकिन अलग अलग हो, कोस एन ओमेगा नोट टी इंटू कोस एम ओमेगा नोट टी, ये भी क्या देगा, जीरो ही देगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये अलग है, ये एन और एम लिख देना, यहाँ पे एन इक्स नोट एम, यहाँ पे लिख दो एन इज नॉट इक्वल टू एम, एन एम के इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो जहाँ जहाँ पे यूज किया, अगर एन और एम इक्वल हो जाए तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल बन जाएगा। तो अगर एन और एम को मैं इक्वल कर दूं तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एन ओमेगा नोट टी, है ना, ये बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ओ पीरियड, ध्यान से सुनना, लेंथ ओ पीरियड। कभी कभी देखो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी पीरियड कैसे दे रखा होता है हमारा, माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में, कुछ लोग इसी को टी नोट मान के यहाँ पे रखे आते हैं, गलत हो जाता है। तो टी नोट जो होगा हमारे यहाँ से कहाँ तक होगा, फाइनल माइनस इनिशियल यानी 2π, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, 2π रखेंगे, ठीक है। इस टाइप से ये गलती नहीं करनी है। अगर हमारा साइन है तो तब भी यही होगा, साइन स्क्वायर एन ओमेगा नोट टी कस्टू कितना होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ पीरियड। तो ये वाले इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखने हैं, जो मैं अगले आने वाले वीडियो उनमें यूज़ करूँगा, ठीक है। तो एक बार देख लो, अगर कुछ छूट गया हो देख, आगे फेस स्पेक्ट्रम सब बनाएंगे, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम सब बनाएंगे, ए एन बी एन जी एन सब निकालेंगे, फाई एन निकालेंगे वहाँ पे। तो एक बार ये अच्छे से फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेना, ठीक है। मैं वहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट ही यूज़ करने वाला हूँ, वैसे बताऊँगा अभी। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।